भागवत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। असी धन्यवादी हाँ भाई लखविंदर सिंह जी संधु साहब, वह भी पहले दिन तो इतने मोर्चे के आते हैं, हम अपनी हाजरियां लगाते रहते हैं। हम मैं बेनती करांगा भैन एडवोकेट अनुराधा भागवत जी वो 7 मिनट वास्ते अपने विचार संगतों के नाल सांझे करनगे, और जिन्ना भी प्रसाद लैके आए हैं पिछे वलंटियर वीरां नूं बेनती है को सारा प्रसाद भैन जी हुरी 42 किलो लड्डू अज कृष्ण भगवान जी के जन्म दिहाड़े की खुशी में लैके आए हैं। मैं वलंटियर साहबानों बेनती करांगा भी जिन्नी भी संगत पंडाल विच हाजिर बैठी है मातावां भैणां नौजवान वीर बजुर्ग साहबानों वो प्रसाद के तौर पर सारे दिते जान, कोई वांझा ना रहे। आओ भैन अनुराधा जी तो आप विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मान सत्कार के योग्य भाई बलवंत सिंह जी राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन, सत्कार योग ज्ञानी तेजपाल सिंह जी, लखविंदर सिंह संधू जी, स्टेज पर विराजमान सभी मेहमान और यहाँ पर सभी साथ संगत को मेरा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भगवान जी जिनका अवतार श्री कृष्ण पक्ष में रात्रि 12 बजे हुआ, जो कि माता देवकी और वासुदेव जी की 8वीं संतान है, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश दिया, सत्य का उपदेश दिया, कर्म का उपदेश दिया। जहां एक तरफ अर्जुन के सामने अपने खड़े हुए थे, वहीं दूसरी तरफ सत्य की और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया और कहा कि अर्जुन एक तरफ तेरे अपने हैं और दूसरी तरफ सत्य है, किसका साथ दोगे? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हें सत्य का साथ देना है, कर्म का साथ देना है। उस पर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भगवान की तरफ देखा और सिचुएशन को समझते हुए श्री कृष्ण भगवान की बात मानते हुए अपनों से लड़े और सत्य की जीत हुई। श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में जब जन्म लिया, गीता का ज्ञान दिया, आज मानवता के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूं कि देखिए, जब जब इस धरती पर चाहे वो त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, श्री राम जी ने अवतार लिया, श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अवतार लिया, जब जब इस देश पर कुछ भी कष्ट आया है, जब जब इस देश पर कोई भी संकट आया है, तब तक भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और गुरु नानक देव जी और गुरु तेग बहादुर जी ने यहाँ पर अवतार लिया। आज मैं कहना चाहती हूँ कि पिछले 9 महीने से मेरे किसान भाई, आज धूप हो चाहे बरसात हो, हर सिचुएशन में यहाँ बैठे हुए हैं। कितने मेरे भाई शहीद हो गए हैं, लेकिन ये सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। सरकारों को डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आज हमारे देश के अंदर जो हुकूमतें हैं वो अपने अहंकार को लेकर बैठी हुई हैं, लेकिन अहंकार तो औरंगजेब का भी नहीं रहा और कंस का भी नहीं रहा। आपको भलीभांति ज्ञान होगा कि कंस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर आज संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर सभी भाई आज यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मना रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि इस हुकूमतों को समझना चाहिए कि जो सनातन और सिख का भाईचारा तोड़ने की कोशिश की, तो तेरा भी तख्त नहीं बचेगा। क्योंकि आज हमारे देश के अंदर जो हुकूमतें कर रही हैं भाईचारा खराब करने की, उसको कभी भी बख्शा नहीं जाएगा।
करनाल में जो हुआ बहुत निंदनीय है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि करनाल में हमारे भाइयों के साथ जो हुआ, हुकूमतों ने जो अपनी चलाई, बहुत शर्मनाक बात है। मेरे किसान भाइयों को चोट लगी, किसी के नाक की हड्डी तोड़ी गई। आज एक भाई का मुझे पता चला कि उसकी आंख की रोशनी चली गई। क्या इस दिन की देखने के लिए हमने वोट दी थी? क्या इस दिन के लिए हमने सरकारें बनाई थी? नहीं। आज मैं कहना चाहती हूँ, पूरे देश को आह्वान करना चाहती हूँ कि ये एक कौम की लड़ाई नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के हर कौम की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है। और मैं कहना चाहती हूँ कि पूरे देश को एक होना होगा, क्योंकि कल जो हुआ है बहुत शर्मनाक है। सभी को एकजुट होकर इस सरकार का सामना करना होगा और सरकार को झुकना होगा। मेरे किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के ऊपर गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद है, श्री गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद है, जिन्होंने खुद जनेऊ नहीं पहना लेकिन जनेऊ की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, अपनी शहादत दे दी। ये हमारे गुरु नानक देव जी के वो सिख हैं जिन्होंने मानवता के लिए काम किया, किसी जाति पाति को देखकर काम नहीं किया। मेरे देश के किसानों को एक होना होगा ताकि काले कानून रद्द करवाए जा सके। और मैं करनाल में जितने मेरे किसान भाई जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, शहादत हुई है, मैं गुरु साहब से अरदास करना चाहती हूँ कि घायल अवस्था में जो किसान है उनको तंदुरुस्ती बख्शे और जो शहीद हुए हैं उनको अपने चरणों में स्थान दे। दोबारा से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। और दोबारा मैं कहना चाहती हूँ कि सभी देशवासियों को एक होकर इस हुकूमत के खिलाफ लड़ना पड़ेगा अगर अपना अधिकार चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगी कि श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता के ऊपर मुझे एक शब्द याद आ गया, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। मेरे बांके बिहारी लाल न किया करो तुम इतना श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी ओ हरा वाले, नजर तो है लग जाएगी। जैसा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर श्री कृष्ण जी की बहुत सुंदर सुंदर वाणियां हैं, उनको देखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जो गुरुवाणी का यहाँ पर जो विचार रखा गया, गुरुवाणी को सुनाया गया, आज मानवता को जरूरी, मानवता के लिए बहुत जरूरत है इस सिद्धांत की। मानवता के सिद्धांत पर चले, सिखी सिद्धांत पर चले, क्योंकि देश के अंदर आज अगर कोई कामयाब सिद्धांत है तो वो सिखी सिद्धांत है, जो हमेशा सनातन को साथ लेकर चलता है और हमेशा सभी की इज्जत करते हैं। दोबारा से वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।